जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, सांचे दरबार की जय। आज का प्रवचन हमारे स्वामी श्री अद्वैत आनंद जी महाराज का प्रवचन है। जिज्ञासु की सूरति को साधना और अभ्यास में जिन आंतरिक मंजिलों से होकर गुजरना पड़ता है, उनका विशद वर्णन आप सुचारू रूप से किया करते थे। अजपा जाप, अनाहा ध्वनि और सहज समाधि के विषय में साधक के मार्ग में आने वाली कठिनाइयों का आप समाधान भी आप ऐसे सरल ढंग से किया करते थे कि साधक को शीघ्र ही समझ आ जाती थी। पिंड देश में चक्रवेदन कैसे किया जाए और ब्रह्मांड में सूरति किस प्रकार निवास करती है, इसके विषय में आप समय फरमाते थे कि स्थूल शरीर में मन, बुद्धि और चित्त ये अंश हैं। पृथ्वी यही देह है। प्रथम सूरति की धारा पिंड देश से चलती है, फिर कई कठिनाइयों को पार करती हुई ब्रह्मांड में पहुंचती है। नाभि से हृदय, हृदय से कंठ, कंठ से लटाट तक तो माया का पसारा है। इसके आगे भ्रगुडी के मध्य में जो लोक हैं, उसे सहस्त्र दल कमल कहते हैं। यहाँ से ब्रह्मांड की मंजिलें आरंभ होती हैं, जो संत महापुरुषों की चरण शरण ग्रहण कर उनकी कृपा से पार की जा सकती हैं। आपने इसके आगे दसवें द्वार का पूर्ण रहस्य बताया, जो केवल समय के संत सतपुरुषों की चरण शरण में जाने से ही जाना जा सकता है, क्योंकि लिखने से तो ये केवल वाचक ज्ञान बनकर रह जाता है। पुस्तकीय ज्ञान से भक्ति की आंतरिक मंजिलों को पार करना असंभव है। इसी आंतरिक मार्ग को पार करने के लिए परमहंस श्री कबीर साहेब जी भी उपदेश देते हैं कि अबरन बरन अमूरत जो कहो ताही किन पेख, गुरुदया ते पावी सूरत निरत करी देख। जो आत्मा अवर्णीय है, जिसका कोई रूप रंग नहीं, उसे सद्गुरु की दया से देखा जा सकता है। उनके शब्द में सूरति लगाकर देखो। पूर्ण संत महापुरुषों की संगति तथा सद्गुरु के ध्यान से ही जीव आंतरिक दृश्यों को देख सकता है। आज का प्रवचन हमने अपने स्वामी जी अद्वैत आनंद जी महाराज के प्रवचनों से लिया है। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, सांचे दरबार की जय। महातीर्थ आनंदपुर साहिब की जय।